आगामी 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक होने वाले माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला की तैयारी को लेकर आज नगर पालिका प्रांगण में अपर कलेक्टर आरएम कुरवशी के नेतृत्व में मेला तैयारी को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को मेला में स्टॉल लगाने के लिए निर्देशित किया गया। लगभग 24 विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रतनपुर का यह पारंपरिक मेला आदिवासी विकास मेला के साथ साथ प्रदर्शनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसके लिए शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनी स्टॉल लगाया जाता है और शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। आज की इस बैठक में मुख्य रूप से सभी विभागों को एक सप्ताह पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टॉल लगाने के लिए कहा गया है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। पालिका क्षेत्र रतनपुर में 24 फरवरी से 1 मार्च तक आदिवासी विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। में बैठक इस बैठक में जिले के समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित है और 24 विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो सामग्री वितरण जो बेचने योग्य सामान है उसका भी विक्रय किया जाएगा। माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला के संबंध में आज कलेक्टर साहब के द्वारा जो है बैठक आहूत की गई थी। विभागों के सारे विभाग के अधिकारी यहां पर उपस्थित रहे और सबको निर्देशित कर दिया गया है कि पंडाल में जो है अपना अपना विभाग का पंडाल लगाएं और इस प्रकार जो है मेले की तैयारी जो है पूरे जोरों पर है और मैदान के साफ सफाई आदि इत्यादि जो है दूर दराज से जो आते हैं सारे नल जल व्यवस्था सब के लिए हमारी ओर से तैयारी चालू कर दी गई है।